मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज करने के एक्सरसाइज थर्ड ए करने के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और एग्जाम्पल्स तुम लोग देखना करके ज़्यादातर एग्जाम्पल ये आते हैं। हम उससे आगे वाली एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं। आगे वाली एक्सरसाइज में क्या है, अब हम टी आई भी याद करेंगे। अब तक तुमने केवल सी एफ निकाला था, अब हमें टी आई भी याद करना है। इस टाइप से करेंगे, तो देखते हैं किस टाइप से करेंगे। हमारा जो प्रश्न होगा वो कैसा होगा, बीएससी हमारा प्रश्न कैसा होगा, एफटी डीएस डी और डीएस का फलन होगा जो किसी एफ एक्स वाई के बराबर होगा। अब की बार से फलन आ जाएगा हमारा एफ एक्स वाई, एक्स और वाई का कोई फलन आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसमें पी आई निकालने के लिए हमें कैसे लिखना पड़ेगा, वन अपॉन एफ डी डीएस, वन अपॉन एफ डी डीएस और ऊपर क्या आएगा, एफ एक्स वाई। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एफ डी डीएस के गुणनखंड करेंगे। इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड और क्या करना है, और आंशिक भिन्न गुणनखंड करना है और क्या करना है, आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न को छोड़ ही सकते हैं, डायरेक्ट गुणनखंड से हो जाएगा। एफ डी एस के गुणनखंड करने हैं और फिर यदि कोई गुणनखंड ऐसा आता है, गुणनखंड कैसा आता है, गुणनखंड हमारा ऐसा आता है डी प्लस माइनस एम डी एस। हमारा गुणनखंड को ऐसा आता है डी प्लस एम डी एस। तो हम वाई बराबर क्या लिखेंगे, वाई बराबर लिखेंगे हम सी वन प्लस माइनस एम एक्स, प्लस माइनस क्या एम एक्स, डी एस के एक्स हो जाता है डी के सी वन कॉन्स्टेंट। तो ऐसा हो जाता है, मतलब डी का गुणांक वन होना चाहिए यहाँ पर। तो हम वाई बराबर क्या लिखेंगे, सी वन प्लस माइनस एम एक्स। ठीक है, ये हम किस में रखेंगे, एफ एक्स वाई में, एफ एक्स वाई में वाई का मान रखें, वाई का मान रखेंगे। एफ एक्स वाई में क्या करेंगे, वाई का मान रखेंगे। फिर क्या हुआ, वाई का मान रखने के बाद में फिर इसका समाकलन करेंगे, फिर समाकलन करें, नेक्स्ट देखें, फिर क्या करेंगे, समाकलन, समाकलन के बाद सी वन का मान वाई और एक्स के पदों में रखें, वाई और एक्स के पदों में रखें। फिर हमें क्या करना है, अगला पॉइंट क्या होगा, समाकलन के बाद, समाकलन के बाद क्या करना है, सी वन का मान वाई और एक्स के पदों में रखना है। फिर क्या करेंगे, उन्हें इस प्रक्रिया को, कौन सी प्रक्रिया को, ऊपर जा चुकी है इस प्रक्रिया को, तब तक दोहराए जब तक कि इस प्रक्रिया को तब तक दोहराना है जब तक कि क्या नहीं हो जाए, जब तक कि सभी गुणनखंड समाप्त हो जाए,
को हटा देते हैं। डी और डी डैश तुरंत खंड को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पेज कौन सा है? पेज वन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहां तक। समाकलन का चिन्ह आएगा, फिर
इफ टू है जैसे हमारे साथ को डालने का प्लस का हुआ तो सी वन की वैल्यू हो जाएगी y प्लस x ये रख देंगे उसमें स्क्रीनशॉट ले लो इसका ये दिया होगा बता देते हैं ये अब बताओ क्या आएगा ये पी आई बराबर क्या हो जाएगा वन अपॉन डी प्लस डीएस और क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी वन की वैल्यू क्या रख रहे हैं वाई प्लस एक्स और एक्स भार है ऐसा रह जाएगा ये ठीक है। अब यहां से फिर से बात करते हैं y बराबर d की जगह c2 dx की जगह क्या लिख रहे हैं x y बराबर c2 plus dA, c2 plus x रखने पर और इस वाले गुणनखंड को हटाएंगे तो pi की वैल्यू क्या हो जाएगी समाकलन x square minus y की जगह क्या लिख रहे हैं c2 plus x और भार x है और dx ठीक है ये गुणनखंड हट जाएगा y की जगह क्या लिखेंगे पूरा प्रश्न हमारा एक्स में हो जाएगा इसका समाकलन करेंगे तो ये हट जाएगा हमारे पास से पी आई क्या हो जाएगा बताओ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणा करवा दो सी टू एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर और क्या डी एक्स ये कट गया क्या बचेगा बताओ पी आई बराबर एक्स स्क्वायर कट गया क्या बचा माइनस का सी टू एक्स और डी एक्स इसका समाकलन कर देते हैं इसका समाकलन क्या आएगा देखते हैं इसका समाकलन क्या प्राप्त होगा पी आई बराबर कितना माइनस सी टू को भार कर रहे हैं इसका समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू सी टू को भार आ गया इसका समाकलन हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू। अब इसमें सी टू का मान लेते हैं सी टू का मान देखो यहाँ पर क्या आएगा वाई माइनस एक्स आ जाएगा y माइनस एक्स रखने पर बताओ पी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी ये हो जाएगा माइनस का y माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर बटे दो पी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी वन बाई टू भर कर ले उसका गुणा इसमें करवा दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई और माइनस एक्स क्यू ऐसा हो जाएगा। अब इसका हम हल कर लेते हैं हल क्या होगा z बराबर सी एक्स प्लस पी आई तो z बराबर सी एक्स हमने निकाला था पहले क्या आया था फाई वन वाई प्लस एक्स प्लस फाई टू क्या वाई माइनस एक्स और ये और आया हमारे पास तो माइनस चिन्ह हो गया इसमें माइनस है यहाँ पर एक माइनस चिन्ह इसका हुआ इसमें करवा दिया एक्स टू वाई माइनस एक्स टू बटे दो को यहाँ लिख दिया है पी आई की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं तो माइनस वन बाई टू और क्या एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स टू तो ये क्या हो जाएगा हमारा अब इसका आंसर हो जाएगा ये पेज कौन सा है पेज थ्री है ये इसका स्क्रीनशॉट ले ले यहाँ तक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब इसमें से देखना क्वेश्चन तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करके जितने भी कर सकें और एग्जाम्पल्स करना पहले थोड़े से हार्ड हैं थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी रोज़ाना काम रोज़ाना किया करें। कोई क्वेश्चन नहीं हो तो मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं।